जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ सर बहुत बेहतरीन होंगे। और बच्चों देखो, आज हम क्लास सेवन का मैथ सक्सेस का एक और चैप्टर करने जा रहे हैं। मतलब एक्सरसाइज है हमारा चल रहा है, उसी को आज खत्म करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 15.4 पार्ट थ्री करने जा रहे हैं, जो आपका फाइनल पार्ट है। ठीक है, तो फाइनल पार्ट है, तो इसमें आपको पता ही हो गया होगा कि हम लोग जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आज तो हम खत्म ही करके जाएंगे। बिल्कुल बिना खत्म के आज की क्लास को लीव नहीं करना है, खत्म करना है, पूरा क्वेश्चन खत्म करना है और एक एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के खत्म करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए तो आ जाते सीधे अपने क्वेश्चन पे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपके पास ढेर सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही इजिली और बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन सेवन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन सेवन क्या कह रहा है। अच्छा, अगर आपने अभी तक इसका पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख लीजिएगा। और अगर मैथ सक्सेस से कोई भी आपको टॉपिक चाहिए तो उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सारी वीडियो वहां पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए, कह रहे हैं अ रोड 10 मीटर वाइड सराउंडेड अ सर्कुलर पार्क whose perimeter is 352 meter, find the area of the road। चलो रोड कैसा है भाई, रोड है आपका कैसा सर, एक सर्कुलर रोड है, मतलब सर्कुलर। अच्छा सर्कुलर कैसा होता है सर, मतलब रोड के बारे में अगर कह रहा है तो मतलब मान लो एक ऐसे होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक इसके अंदर ऐसे होगा। सर्कुलर रोड कह रहा है मतलब कुछ इस अकॉर्डिंग चीजें हो जाएंगी उसमें। ठीक है, सर्कुलर रोड की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो कुछ इस अकॉर्डिंग मतलब ये जो पोर्शन हुआ, ये पोर्शन ये आपका रोड है, ये क्या है आपका रोड है। समझ में आई बात, रोड के बारे में समझ गए ना। ये जो पोर्शन है आपका रोड है, रोड कैसा सर्कुलर है, कैसा है बेटा सर्कुलर है। तो क्या कह रहे हैं, रोड 10 मीटर वाइड, मतलब कितना वाइड है ये, 10 मीटर वाइड है, 10 मीटर वाइड। अब आपको इस रोड का एरिया निकालना है। देखो बेटा समझना मेरी बात, अगर इस रोड का एरिया निकालना है, और एक बात और कह रहा है कि सर्कुलर पार्क होज पैरीमीटर इज 352, मतलब ये बीच में क्या है पार्क है, और जिसका पैरीमीटर दिया हुआ है, जिसका पैरीमीटर दिया हुआ कितना बेटा 352 मीटर। ठीक है, चलिए तो समझिएगा मेरी बात, अगर ये पैरीमीटर दिया है, मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटा दूं क्योंकि मैं कुछ यहां समझाना चाहता हूं आपको। ठीक, समझ लो, मैं मान लेता हूं ये जो पार्क है उसका सेंटर होगा, सेंटर से पार्क के यहां तक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल सर्कल रेडियस हो जाएगा, मैं इसको स्मॉल आर मान लेता हूं। ठीक है, देखो मैं मान लेता हूं लेट द रेडियस ऑफ पार्क ये हो जाएगा हमारा स्मॉल आर, यहां पे मीटर है तो हम मीटर मान लेंगे आर मीटर। ठीक है, यहां पे पैरीमीटर दिया हुआ है तो पैरीमीटर ऑफ पार्क दिया हुआ बच्चे, पैरीमीटर ऑफ पार्क कितना गिवन है, ये गिवन है सर 352 मीटर। अब देखो यार बच्चों, ठीक है दोस्तों, क्या है यहां पे पैरीमीटर ऑफ पार्क दिया हुआ है, पैरीमीटर पार्क दिया कितना 352 मीटर। तो हम यहां पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या फॉर्मूला है आपका, पैरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr is equal to 352, ओके okay? अब देखो 2 तो 2 रहेगा, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 हम यहाँ रखेंगे और r is equal to 352 मीटर। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो जो चीज नीचे है ट्रांसफर होने पे वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर है वो ट्रांसफर होने पे नीचे, तो r is equal to क्या हो जाएगा 352 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 हो गया। देखो अब डिविजिबल है, डिवाइड करो, पहली बात छोटे नंबर से काटते हैं तो 2 × 2, इसको 2 से डिवाइड करोगे 2 × 2, 1 इसके पास गया कितना हो गया 15, 2 × 7 = 14, 1 इसके पास गया 2 × 6 = 6। अब देखो फिर से 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि आखिरी डिजिट जो है ना 6 है, तो 2 × 11 = 22, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16। अभी देखो 11 से ये कटेगा, 11 8 = 88। ठीक है,
तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 इंटू 8, मतलब आर इज इक्वल टू 7 8 56 आ जाएगा मीटर। समझ में आई बात बच्चे, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 56 मीटर। अब समझ लो क्या कह रहा है कि यहां से अगर मैं इसको पॉइंट ए मानू, इसको पॉइंट बी मानू, तो ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितना है, 56 मीटर है। और कह रहा है कि जो रोड है, ये जो बच्चे क्या है, ये जो आपका रोड है वो है आपका 10 मीटर वाइड, यानी मान लो सी तक, बी से सी तक कितना है, 10 मीटर वाइड है। एक बात बताऊं, ए से बी तक 56 है, बी से सी तक 10 है, तो अगर मैं यहां ए से लेके सी तक की बात करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 मीटर, होगा कि नहीं होगा। चलो तो हम बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ पार्क विद रोड। रोड के साथ पार्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 56 प्लस 10 इक्वल टू 66 मीटर। अच्छा सर, हमें तो एरिया निकालना था, तो इसका रेडियस क्यों निकालना। देखो मेरे बच्चे, समझना मेरी बात जो मैं समझाना चाहता हूं। जैसे देखो क्या है यहां पे, ये जो है मेरा, ये एक पार्क था अंदर का, ये अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लूं, समझिएगा मेरी बात, इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लूं और ये जो पार्क है इसके एरिया से मैं माइनस कर दूं, इसके एरिया से मैं क्या करूं, माइनस कर दूं, तो आपको बचा खुचा यही एरिया बचेगा, जो ग्रीन वाला पोर्शन है यही एरिया आपको क्या होगा बेटा, बचेगा। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है बस यही एरिया आपका बचेगा, और यही एरिया तो आपको निकालना है, तो इसीलिए मैं दोनों का आर फाइंड किया। अब देखो क्या हो जाएगा, हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ रोड, यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोड। मैं इस फिगर को हटा रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पे थोड़ी सी जगह चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ रोड विद पार्क, एरिया ऑफ रोड विद पार्क, विद पार्क माइनस, किसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ पार्क को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ पार्क को माइनस कर देंगे। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोड विद पार्क कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रोड कितना है, हमने यहां से आर निकाल लिया था, तो ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस, एरिया ऑफ पार्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखो पाई से पाई कॉमन हो जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर की, स्मॉल आर स्क्वायर की बात करें, अच्छा सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यहाँ पे पहले क्या होगा, स्मॉल आर रहेगा उसके बाद कैपिटल आर रहेगा, क्योंकि विद रोड है ना, तो यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर, ठीक, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अभी देखो बेटा आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 66 स्क्वायर, तो 66 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी, 56। अब देखो मेरे पास तो एक तरीका है जिस वजह से आप ये क्वेश्चन को बहुत छोटे में कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो 66 का हम स्क्वायर निकालेंगे, तो देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 6 का स्क्वायर 36, और 6 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 36, इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 2 जा होता है आपका 72, ठीक है, तो हो गया 72, ये आ गया 6, 3 2 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 5, 7 6 प्लस कर देंगे 7 6 कितना होगा 13 का 3 और 3 एंड 4, तो ये आ गया आपका पाई इन ब्रैकेट 4356 माइनस, उसी तरह से 56 का निकालेंगे, तो देखो 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और 5 इंटू 6 इंटू 2 कितना हो गया, 5 6 या 32 या 60, तो ये आ जाएगा 6, ये 3, 5 6 11, 2 एंड 3 3136 हो गया। अभी देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होता है। अब इसको सॉल्व करो, तो 6 में से 6 गया तो 0 आया, 5 में से 3 गया तो 2 आया,
और थ्री में से वन गया तो टू आया, और फोर में से थ्री गया तो वन आ गया, ये इतना आ गया। अच्छा देखो ये डिविजिबल है क्या, 22/7 से ये डिविजिबल है क्या, 1 2 2 0 चेक कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, 1 2 2 0 को चेक करते हैं 7 से डिविजिबल करके। 7 1 7 7 आया, 12 में से 7 जाएगा बच्चे कितना, 52। ठीक है, 7 7 7 नहीं, ये डिविजिबल तो नहीं हो रहा है बच्चे। अगर ये डिविजिबल नहीं है, ठीक एक मिनट रुक जाना, थोड़ा समय मैं भी शायद कहीं गड़बड़ हुआ तो इसको चेक कर लेता हूँ एक बार मैं। ठीक है, तो 66 और 56, 6 6 12 5 6 11 1 12 नहीं सही आ रहा है। ठीक है ठीक है, तो इसका आंसर डेसिमल में आएगा बेटा, क्या आएगा इसका डेसिमल में। तो पाई की जगह पता है क्या रखेंगे यहाँ पे, हम इसको 3.14 रख लेते हैं और ये 1 2 2 0। अब जल्दी हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करो बेटा, 1 2 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 4 का, तो 4 2 8 हो गया, 4 2 8 हो गया, 4 1 4 हो गया, 2 2 1 हो गया, 3 2 6 3 2 6 और 3 1 3 हो गया, तो ये 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 6 4 10 2 12 का 2 1 11 हो गया। ठीक है, 6 4 10 2 12 1 13 हो गया ना बेटा, 13, और 6 1 7 1 8 हो गया, और ये 3 कितना आया, 38308, और 10 और बढ़ेगा और 2 प्लेस पर डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, मतलब 38308 मीटर स्क्वायर। ये आपके रोड का एरिया आ गया, ये जो आंसर आया आपका क्या है, रोड का एरिया आ गया। ठीक है बच्चे, चलो इतनी बात समझ में आ गई ना, एक बार बता दो सभी लोग, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, अ वायर इज इन अ सर्कुलर शेप ऑफ रेडियस 49 मीटर। मतलब एक वायर है, वायर है मतलब मान लो ऐसे एक वायर था मेरे पास, ठीक है, क्या था मेरे पास, एक वायर था। ठीक है, एक वायर है मान लो ऐसे, ये एक वायर, इसको क्या किया गया है, अ वायर इज इन अ सर्कुलर शेप ऑफ अ रेडियस 49 सेंटीमीटर, इसको एक सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया गया है। किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, एक सर्कुलर शेप में, मतलब ऐसे बना दिया गया है सर्कल में। ठीक है, तो इसका जो रेडियस आ रहा है, इसका जो रेडियस है वो है आपका 49 सेंटीमीटर। ओके, इट इज बेंट इन टू द स्पेयर शेप ऑफ स्क्वायर। अब देखो, अब इसको किस में चेंज कर दिया गया, अब इसको एक स्क्वायर में चेंज कर दिया गया, किसमें, एक स्क्वायर में चेंज कर दिया गया, मतलब मान लो ऐसे, ठीक है, एक स्क्वायर में चेंज कर दिया गया। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर सो फॉर्म, तो जो स्क्वायर बना उसका एरिया बताओ। एक बात समझना मेरे बच्चों, देखो ये जितना लेंथ का था उसी लेंथ का क्या बना दिया गया, सर्कल बना दिया गया, फिर उसी लेंथ का क्या बना दिया गया, एक स्क्वायर बना दिया गया। तो इन सभी चीजों में एक चीज नहीं चेंज हुआ है, क्या सर, इसकी लेंथ, सर इसकी लेंथ, देखो लेंथ चेंज हुआ क्या, किसी भी केस में लेंथ के बारे में नहीं कह रहा है कि हाँ लेंथ चेंज हुआ है, क्यों, क्योंकि पहले जितना लेंथ था उसी लेंथ से सर्कल बना दिया गया, फिर उसी लेंथ से क्या बना दिया गया, एक स्क्वायर बना दिया गया। तो सर सब कुछ तो चेंज हुआ, क्या नहीं चेंज हुआ सर, इसका लेंथ नहीं चेंज हुआ, और लेंथ नहीं चेंज हुआ इसका मतलब इसका पैरीमीटर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर क्या कि पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि सब कुछ सेम है, याद रखना बच्चे, यहां पे क्या है मेरे पास, यहां पे मेरे पास सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पैरीमीटर स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सर 4 into side इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है 2πr। तो मेरे बच्चों यहां से मैं साइड चाहिए, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2
पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू दिया हुआ कितना 49 इंटू ये 4 यहाँ से आएगा इधर आएगा तो 1/4 में जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा इसकी थिकनेस हो गई, मैं इसको थोड़ा सा ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 7 से कटेगा 7/7 = 49 ठीक है, और 2 से कटेगा ये 2 टाइम, फिर 2 से कटेगा ये 11 टाइम। तो साइड कितना आ गया, साइड आपका आ गया 11 × 7 मतलब हो गया 77 सेंटीमीटर। ये साइड ऑफ स्क्वायर है तो कह रहा है एरिया ऑफ द स्क्वायर, चलो भाई ये भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर, क्या होता है बेटा साइड का स्क्वायर। तो साइड है आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 77 का हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, 7/7 = 49 का 9 कैरी आया 4, 7/7 = 49 और 4 हो गया आपका 53। फिर से वही आने वाला है क्योंकि सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9, 9 3 12, 5 3 8 1 9 और ये 5 कितना आ गया 5,929 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो भाई इतनी बात तो समझ में आई ना, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जिनको समझने में आपको प्रॉब्लम हो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बच्चों ठीक है। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, कह रहा है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मतलब क्या कह रहा है कि एक आपके पास क्या है स्क्वायर है, क्या आपके पास एक स्क्वायर है, ये मान लो कि स्क्वायर हो गया ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है, इसके अंदर क्या है बेटा एक सर्कल है, इसके अंदर क्या है एक सर्कल है। देखो अगर किसी स्क्वायर के अंदर एक सर्कल होता है, अगर किसी स्क्वायर के अंदर क्या होता है बच्चों एक सर्कल होता है, तो उसके लिए कंडीशन हो जाती है। कंडीशन क्या हो जाती है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा सर्कल सही से हो जाए मेरा तो मैं आपको समझाता हूं। चलो इतना समझ में आ जाएगा आपको ठीक है। तो अब देखो क्या है, कह रहा है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 28 सेंटीमीटर, मतलब एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितना है 28 सेंटीमीटर है ठीक है। इसी के बीच में एक सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल कर दिया गया है। तो अब देखो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो इस सर्कल का एरिया आपको फाइंड करना, समझना है बच्चों क्या है। यहां पे आप एक चीज देख सकते हो कि सर इसका जो डायमीटर होगा, सर्कल का जो डायामीटर होगा, चाहे इधर से ले लो चाहे आप ऊपर से नीचे ले लो, दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि डायमीटर ऑफ सर्कल, डायामीटर ऑफ सर्कल ये इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा साइड ऑफ स्क्वायर के, साइड ऑफ स्क्वायर के। देखो क्योंकि ये यहां से यहां तक 28 है, और तो ये यहां से भी यहां तक कितना होगा 28 सेंटीमीटर ही होगा ठीक है। तो मतलब कितना हो गया ये डायमीटर, डी इक्वल टू कितना हो गया 28 सेंटीमीटर हो गया। चलिए डायमीटर अगर हमें पता चल गया तो हम यहां से इसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू ये डायमीटर बाय 2 होता है, डायमीटर बाय, तो डायमीटर कितना बच्चों मेरा डायमीटर है यहाँ पे 28 और डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करो 14 टाइम में जाएगा, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। चलो भैया अब ये जब आपको 14 सेंटीमीटर हो गया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ये आर की वैल्यू है तो ये हो गया पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो गया 14 × 14 क्योंकि 14 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब 14 आपके 2 टाइम्स लिखे जाएंगे, 7 से डिवाइड करोगे 2 टाइम, 22 हो गया आपका 44 14 से। अब देखो 14 से 44 में मल्टीप्लाई करो तो 14 4 होता है 56, कितना होता है 56, तो 6 आया कैरी आया 4 5 सॉरी 14 फिर से 56
56 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बेटा हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना अगर जहां पे ये वर्ड है इनसब्सक्राइब, इसका मतलब क्या हो गया कि साइड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल जो है वो साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अगर बात करें तो कह रहा है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर एरियाज। चलो मान लेते हैं लेट द रेडियस या रेडिया इज इक्वल टू R1 एंड R2 एंड R2। हमने मान लिया कि जो साइड का रेशियो है वो कितना है बेटा R1 और R2 है। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ R1:R2 कितना है 3:5 है। कितना बेटा 3:5 है। चलो तो क्या मैं इसको R1/R2 नहीं लिख सकता, ये भी तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चलो अभी लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल वन जिसको हम बोलेंगे A1। ये क्या होता है पाई R1 स्क्वायर होगा, क्यों बेटा। अच्छा अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो मान लो ये पहला सर्कल है और ये बेटा आपका दूसरा सर्कल है। ठीक है, ये आपका दूसरा सर्कल है और ये आपका पहला सर्कल है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, इसका जो रेडियस है मैं इसको 3x मान लेता हूं और इसका जो रेडियस है मैं इसको 5x मान लेता हूं। तो इसका जो एरिया होगा वो A1 होगा, इसका एरिया जो होगा वो A2 होगा। ठीक, अब तो समझ में आ गया। चलो A1 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल टू इसको मैं बोलता हूं A2, ये होगा पाई R2 स्क्वायर हो गया। अब दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने का मतलब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, मतलब क्या बेटा कि A1/A2 तो ये क्या हो जाएगा पाई R1/πR2। तो देखो एक चीज यहां पे कॉमन है सर, पाई से पाई कट गया। ठीक है, पाई से पाई हमारा कट गया। अब कुछ बच्चे ये 2 से 2 काट देंगे, नहीं बेटा ये स्क्वायर है इसको मत काटना। तो बेटा ये आ जाएगा R1/2। अच्छा देखो ये जो R1/2 है, क्या मैं इसको R1/2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, एल्गोरिथम पढ़ा हुआ है कि a^m/b^m होता है, तो हम इसे a^b^m लिख लेते हैं, सेम चीज यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बेटा यहां से क्या हो जा रहा है कि a^1/a^2 जो है वो इक्वल हो रहा है किसके, समझना। R1/R2 देखो R1/R2 कितना 3/5 है, तो ये हो जाएगा 3/5 के होल स्क्वायर। यहां लिखना चाहो तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, कहां से इक्वेशन 1 से। तो बेटा ये A1/A2 3 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो A1/A2 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। मतलब यहां से हम लिखेंगे A1/A2 = 9:25। ये हो गया आपका, समझ में आई बात, बस सिंपल था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 110 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। मतलब एक सर्कल है आपका, ये रहा आपका एक सर्कल, और इसका जो सर्कमफ्रेंस है, इसका सर्कमफ्रेंस मतलब इसके चारों तरफ जब हम चलते हैं तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना था 110। तो अगर सर्कल है तो रेडियस तो होगा, तो मानेंगे लेट द रेडियस ऑफ सर्कल कितना है आर सेंटीमीटर है। मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है बेटा आर सेंटीमीटर है। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें यार। ठीक है, चलो लेट द रेडियस ऑफ सर्कल कितना आर सेंटीमीटर है। अब यहां पे देखो क्या कह रहे हैं सर, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, क्या दिया मेरे लाडलो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है कितना है
110 सेंटीमीटर है। अच्छा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों? बिल्कुल, कितना? 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर, 110 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2 की वैल्यू तो 2 हो गई, पाई की वैल्यू को 22/7 बोलते हैं, और आर ही तो निकालना है आपको 110। फिर से जब भी ट्रांसफर करेंगे तो ये सारे वैल्यू चेंज हो जाएंगे, तो आर की स्क्वल टू कितना हो जाएगा? 110 इंटू नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाले नीचे आएंगे, 22 इंटू 2। भाई देखो, अगर मैं बात करूं 11 से बेटा, तो 11 टू जा होता है 22 और 11 टेन जा होता है आपका इतना, 2 से डिवाइड करो इसको तो 2 5 जा। ये आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5 7 35 / 2, इतना रहने दो इसको, बताता हूँ क्यों, सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू की बात करें तो ये है 35/2 का होल स्क्वायर, हो गया। चलो यहां देख लेंगे बेटा, तो एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। 7 से कटेगा ये 5 टाइम में, 2 से कटेगा ये 11 टाइम में, और 2 से ये कटेगा 17.5 टाइम में। कट गया, सब कुछ काट दिया। अभी चलो मल्टीप्लाई भी कर दो, 11/5 से कितना हो गया? 55 इंटू 17.5। अब करना है बेटा मल्टीप्लाई, किसमें? 175 में आपको 55 से मल्टीप्लाई करना है। देखो, डेसिमल वाले मल्टीप्लाई में आपको परेशान नहीं होना है कि सर कैसे होगा, कुछ नहीं, जैसे मल्टीप्लाई वैसे कर दो, बाद में डेसिमल के बारे में सोचेंगे। तो 5 5 25 का 5 कैरी आया 2, 5 7 35, 2 हो गया 37 का 7 कैरी आया 3, 5 1 5 3 8 हो गया। सेम नंबर नीचे भी आएगा 5 7 8, हो गया 5 7 5 12 का 2 कैरी 1, 8 8 16 हो गया और 8 1 9 हो गया। तो ये कितना आ गया बेटा मेरा? ये आ गया 9 6 2 5 एरिया, लेकिन 1 प्लस पर डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया? एरिया ऑफ सर्कल ये आ गया 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, स्क्वायर लगाना उतना ही जरूरी है ना, जितना तेल लगाने के बाद कंघी करना। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की बात करते बेटा, आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहे हैं। विच हैज ग्रेटर एरिया, मतलब इसमें से किसका ग्रेटर एरिया होगा? अ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 88 सेंटीमीटर और अ सर्कल विद सर्कमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर। देखो, मेरे पास यहाँ पे दो फिगर है, यहाँ पे मेरे पास दो फिगर, एक सर्कल है और दूसरा क्या है बेटा, एक सर्कल है और दूसरा मेरा एक स्क्वायर है। अब आपको बताना है इन दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है और किसका एरिया कम है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं इसके जो रेडियस है वो है आर और इसका जो साइड है वो है ए। ठीक, तो यहां पे पहली बात कर रहे हैं कि अ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 88 सेंटीमीटर, तो मैं यहां पे लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है बेटा? 88 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर दे दिया, तो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर स्क्वायर का? ये होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड, मतलब कितना? 88। तो केवल अगर साइड की बात करें तो ये आ जाएगा 88/4, डिवाइड करेंगे 22, तो साइड कितना आ गया हमारा? 22 सेंटीमीटर। ओके, साइड आ गया। अगर स्क्वायर का साइड मिल गया, अगर स्क्वायर का साइड मिल गया बेटा, तो क्या मैं उसका एरिया नहीं निकाल सकता? बिल्कुल। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर करोगे तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, करके देख सकते हो। ठीक है, 484 स्क्वायर मीटर आएगा। ठीक है, इतना आ गया हमारा किसका? इसका। अब हम बात करेंगे सर्कल के बारे में, तो यहां देखो दिया हुआ है, फ्रेंड्स ऑफ सर्कल,
ये भी आपका 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर, कितना हो गया 88। तो 2 की वैल्यू तो 2 हो गई, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर की वैल्यू निकालनी है आपको 88। नाउ आर इज इक्वल टू क्या, मैंने फिर से देखो, मैं फिर से बोल रिपीट कर रहा हूँ, नीचे वाले टर्म्स ऊपर जाएंगे, मतलब 7 जाएगा ऊपर और जो ऊपर वाले टर्म्स है वो नीचे आएंगे, 2 × 22। अभी देखो बच्चों मल्टीप्लाई करो, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 44 टाइम में कटेगा, 22 से इसको डिवाइड करोगे 2 टाइम में कटेगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। ओके अब हमें चाहिए एरिया, एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब कितना, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर, मतलब क्या बेटा, 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 14 से डिवाइड करो 2 टाइम में, तो ये हो गया 44 × 14, 14 × 4 = 56, 6 कैरी आया 5, 14 × 4 = 56, 56 × 5 = 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ किसका एरिया ज्यादा होगा, ये आपका आया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो किसका एरिया ज्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एयर लिख रहा हूं, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखो आज के सेशन में बस इतना है, ठीक है, हमें जितने क्वेश्चंस करने थे हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए यहाँ पे, तो अभी आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा जो नहीं आ रहा हो, तो अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो बताना, इसके बाद अगले चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और कुछ और बुक के हैं सोल्यूशन क्लास 7 के, मैं उनको लेकर आऊंगा अगले क्लास में। ठीक है बच्चों, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को सब लोग अपने दोस्तों साथ शेयर कर दो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना बच्चों, तो प्लीज विजिट करिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऑथेंटिक चीज मिलेगी, इतनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।